Kumar. Today I will teach you class 7th maths chapter 1st, which is integers. So what actually is integers? Integers are numbers जो negative में होते हैं और जो positive में होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? पूरे को integers. तो integers क्या है? Integers को denote कैसे किया जाता है? इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है? उसे जेड से. तो द नंबर विच इज इन नेगेटिव और इन पॉजिटिव आर नोन एज इंटीजर्स. द नंबर्स विच इज इन नेगेटिव दैट इज नेगेटिव इंटीजर एंड द नंबर्स विच इज इन पॉजिटिव फॉर्म दैट इज पॉजिटिव इंटीजर एंड जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ठीक है? द नंबर्स which is negative negative terms known as negative integers. क्या होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. सो एग्जांपल ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर -2 -6 -20 एक्सेट्रा. माइनस में चलते जाइए पूरा नेगेटिव इंटीजर में देखा. तो द नंबर्स विच इज इन नेगेटिव टर्म नोन एज नेगेटिव इंटीजर मींस ऐसे नंबर जिनके पहले आपका माइनस साइन लगा हुआ उनको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं. नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर. व्हाट आर पॉजिटिव इंटीजर्स? द नंबर्स विच इज इन पॉजिटिव टर्म. एग्जाम्पल देख लीजिए 2, 3, +6 एक्सेट्रा, ठीक है? क्या हो गया? मीन्स ऐसे नंबर जो पॉजिटिव टर्म है. पॉजिटिव टर्म मीन्स या तो के पहले प्लस का साइन लगा होगा या फिर कोई साइन नहीं लगा होगा, इनको भी हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं. तो ये क्या होगा? हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे. क्लियर है? इंटीजर्स क्या होते हैं? जो नंबर निगेटिव और पॉजिटिव में होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं. रही बात जीरो की, तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर्स. अंडरस्टूड? मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एडिशन ऑफ इंटीजर्स. मींस वी विल नाउ एड सम इंटीजर्स. Addition of integers. How we will add integers? हम add कैसे करेंगे? First example, suppose 3 + 6. Very simple. 3 + 6 काफी लगा सकते हैं. Yes. 3 + 6 is 9. Because यहाँ दोनों ही plus हैं. Simple तो 3 + 6 9. But अगर मैंने यहाँ ये लिखा होता -3 + 6. -3 + 6. एक हमारा नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर. तो इनको ऐड कैसे करेंगे? ठीक है, तो ऐड देखिए कुछ टर्म्स आपको याद करने होंगे. इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपके कि माइनस 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 इंटू माइनस क्या करते हैं? हम प्लस करते हैं. माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू प्लस प्लस इंटू मीन्स मल्टीप्लाई. ठीक है, माइनस टू माइनस प्लस, माइनस टू प्लस माइनस. मीन्स अगर एक यहाँ निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो माइनस और प्लस आया. तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है आपका? यस, माइनस टू प्लस माइनस. मीन्स आपको क्या करना होगा यहाँ पे? इसको माइनस करना होगा. तो आपको पता है माइनस कैसे होता है? बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट. मीन्स 6 माइनस
3, कितना हो गया 3, माइनस 2 प्लस माइनस एंड 6 माइनस 3 इज 3। अभी यहां देखना तो यहां साइन कौन सा आएगा, प्लस आएगा या माइनस, यहां माइनस प्लस दो साइन थे तो प्लस आएगा तो माइनस, तो चेक व्हिच इज ग्रेटर नंबर 6 और 3, बड़ा कौन सा है 6 या 3, 6 तो 6 के पहले कौन सा साइन है आपका प्लस, तो यहां प्लस का साइन, आप यहां प्लस लगाओ ना लगाओ, नहीं लगाओगे तो भी ये क्या होता है पॉजिटिव नंबर ही होता है, अंडरस्टूड, नहीं भी लगाएंगे तो भी ये क्या है प्लस ही है, क्लियर। थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, सेम ही क्वेश्चन में देखता हूं, 3 को पॉजिटिव किया और 6 को क्या कर दिया मैंने नेगेटिव, 3 पॉजिटिव है 6 क्या कर दिया नेगेटिव, अभी इसको कैसे करेंगे, 3 के पहले कोई साइन नहीं, मतलब ये क्या है पॉजिटिव टर्म है और ये क्या है एक नेगेटिव टर्म है, पॉजिटिव टर्म है नेगेटिव टर्म, मींस प्लस इनटू माइनस, प्लस इनटू माइनस इज माइनस, क्या करना है हमको इसका मतलब माइनस, तो 6 माइनस 3 3 बट व्हिच इज ग्रेटर 6 और 3 यस 6, तो 6 के पहले साइन कौन सा है आपका माइनस, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा माइनस 3, मींस 3 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 3, प्लस इनटू माइनस माइनस, तो 6 माइनस 3 3 और बड़ा कौन सा आपका 6, 6 के पहले माइनस था यहां पे क्या आ गया माइनस आ गया, अंडरस्टूड। नेक्स्ट इफ बोथ नंबर्स आर इन नेगेटिव टर्म, दोनों ही नंबर नेगेटिव टर्म है तो माइनस इनटू माइनस, माइनस टू माइनस यस प्लस, क्या करना है आपको प्लस, मीन 6 प्लस 3 इज 9, 6 प्लस 3 इज 9, बड़ा कौन सा है 6, 6 के पहले माइनस माइनस, अगर दोनों माइनस है तो बड़ा छोटा देखने की जरूरत नहीं, दोनों माइनस ही आ जाएगा, तो क्या हो गया माइनस टू माइनस प्लस देन 6 एंड 3, 6 प्लस 3 9 एंड साइन कौन सा रहेगा आपका नेगेटिव, और दोनों क्या है आपके नेगेटिव में, अंडरस्टूड। I am taking some other examples. Suppose we have to solve the following questions. First one is 5 plus minus 6. We have to solve this. 5 plus minus 6. First, we will open the bracket. 5 and plus into minus. Plus into minus is minus, then put here minus. Plus into minus. Minus, then minus. Then this number is in positive form and this is in negative. So plus into minus again, plus into minus is minus. We will do minus. So 6 minus 5, 1. But which one is bigger? 6 and sign before bigger digit, minus, then put here minus. Understood? 5 minus 6 is minus 1. Second question, 264 plus 66 minus minus 44. Sorry. Minus 34. How we will solve this? First, board mass rule हमें apply करेंगे. तो क्या होता है board mass rule? Means सबसे पहले bracket, bracket है तो bracket open करेंगे. तो चलिए bracket open करते हैं. 264 plus 66. तो minus into minus. Yes. Minus into minus plus then 34. तो अभी क्या है सब एडिशन में तो सबको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो 4 प्लस 6 10 10 प्लस 4 14 कैरी 1 6 प्लस 1 7 7 प्लस 6 13 13 प्लस 3 यस 16 कैरी 1 2 प्लस 1 3 सिंपल पहले क्या किया ब्रैकेट ओपन किया माइनस टू माइनस प्लस देन क्या करते हैं सभी को ऐड करते हैं अंडरस्टूड सो यू हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड इफ यू हैव एनी डाउट In any question, you can ask me in the comment section. I will reply that questions in the next part. And the remaining part, I will teach in you next part. Okay?